Hello everyone, welcome to class number 66 of the chapter Programming using C++. So, aaj ki class ka hamara discussion ka topic hai use of different function in more than one classes. So, aaj ki class mein hum discuss karenge ki ek single friend function ko hum kaise more than one classes mein use kar sakte hain aur kyun use karne ki zarurat padti hai single friend function ko more than one classes mein. Single friend function ko more than one classes mein use karne ki benefit kya hai? उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन सो बाय यूजिंग ए फ्रेंड फंक्शन एक फ्रेंड फंक्शन को मोर देन वन क्लासेस में यूज करने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं वही सिंगल फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम मोर देन वन क्लासेस के अंदर जो भी मेंबर्स हैं मतलब जो भी डाटा मेंबर्स जो भी मेंबर फंक्शन है उनको हम क्या कर सकते हैं एक ही टाइम में क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं तो सिंपल टर्म में अगर बोलें अगर मोर देन वन क्लासेस हैं तो मोर देन वन क्लासेस में जो भी डाटा मेंबर्स जो भी मेंबर फंक्शन है उनको अगर हम एक ही टाइम में क्या करना चाहते हैं एक्सेस करना चाहते हैं एक ही फंक्शन को यूज करके तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन ओके सो जितने भी क्लासेस के मेंबर्स को जितने भी क्लासेस के डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को हम साइमल्टेनियसली एक्सेस करना चाहते हैं उतने ही क्लासेस में हमें क्या करना पड़ेगा वही सेम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसके द्वारा वही फ्रेंड फंक्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं मोर देन वन क्लासेस के मेंबर्स को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फ्रेंड फंक्शन वही लिखा है बाय यूजिंग ए फ्रेंड फंक्शन इन मोर देन वन क्लासेस वी कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ ऑल द क्लासेस साइमल्टेनियसली इनसाइड दैट फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड फंक्शन को मोर देन वन क्लासेस में यूज करके या फिर डिक्लेयर करके हम क्या कर सकते हैं जितने भी क्लासेस में हमने डिक्लेयर किया है सारे क्लासेस के डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू एट ए टाइम क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं ओके सो फ्रेंड फंक्शन अलाउज अस टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ मोर देन वन क्लासेस साइमल्टेनियसली मोर देन वन क्लासेस में जितने भी डाटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन हैं उनको अगर हम साइमल्टेनियसली एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं या फिर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन ओके तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो मैंने पहले यहाँ पे क्लास लिया क्लास ए दिस इज क्लास ए यहाँ पे और एक क्लास मैंने लिया क्लास बी जो कि यहाँ पे खत्म हुआ है क्लास बी ओके यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्लास ए के अंदर जिस फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है क्लास बी के अंदर भी वही सेम फ्रेंड फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया है ओके तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल मैंने किस टॉपिक को लेके लिया है बता देता हूँ पहले तो प्रोग्राम को समझने में आसानी होगी मैंने क्लास ए के अंदर एक डाटा मेंबर लिया है एक्स क्लास बी के अंदर मैंने एक डाटा मेंबर लिया है वाई तो एक्स का वैल्यू मुझे लेना है वाई का वैल्यू मुझे लेना है और x के वैल्यू को y के वैल्यू के साथ कंपेयर करना है और मिनिमम वैल्यू को एज ए आउटपुट रिटर्न करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है तो क्लास a में पहले हम यूज करेंगे एक डाटा मेंबर x मैंने डाटा मेंबर लिया उस पर्टिकुलर डाटा मेंबर को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हमने यूज किया और एक फंक्शन सेट डाटा फंक्शन जिस फंक्शन के पास हमने मेन फंक्शन से फंक्शन को कॉल करते वक्त एक्स का वैल्यू हमने पास किया ओके उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया फ्रेंड फंक्शन हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं दो अलग अलग क्लासेस में जो डाटा मेंबर हैं उन डाटा मेंबर के वैल्यू को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके मिनिमम वैल्यू जो है उसको एज आउटपुट रिटर्न करेंगे उसके लिए उस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फ्रेंड फंक्शन के बारे में सो जब भी हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसी पर्टिकुलर क्लास का नाम हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं फ्रेंड फंक्शन के अंदर जब भी फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त ओके तो यहाँ पे जबकि फ्रेंड फंक्शन में क्लास ए एंड क्लास बी दोनों ही क्लासेस में डिक्लेयर कर रहा हूँ तो फ्रेंड फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट हम सिर्फ क्लास ए को नहीं लेंगे क्लास बी को भी लेंगे जितने क्लासेस के अंदर हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे उन सारे क्लासेस को एज ए आर्ग्यूमेंट हम क्या करेंगे उन सारे क्लासेस को एज ए आर्ग्यूमेंट हम यूज करेंगे फ्रेंड फंक्शन के अंदर ओके तो यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट लिया है ए बी क्योंकि मैंने क्लास ए एंड क्लास बी दोनों ही क्लासेस में फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है उसके बाद मैं क्लास बी यहाँ पे ओपन किया मैंने क्लास बी को उसके अंदर डिक्लेयर किया मैंने एक वेरिएबल या फिर डाटा मेंबर वाई उस पर्टिकुलर डाटा मेंबर को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए मैंने एक फंक्शन यूज किया सेट डाटा और मेन फंक्शन के अंदर से उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते वक्त मैंने वैल्यू पास किया तो y का वैल्यू मैंने पास किया
उसके बाद फिर से मैंने कॉल किया किसको, फ्रेंड फंक्शन को। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन को क्लास के बाहर हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, जब भी हम डिफाइन करते हैं तब हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास के नेम के साथ उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम भी हम वहां पे मेंशन करते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स को हम एक्सेस करेंगे किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, क्लास ए का एक्स डाटा मेंबर को एक्सेस करना है, किसके थ्रू एक्सेस कर सकूंगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्या है, ए, सो ए डॉट एक्स मैंने यहाँ पे लिखा। क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्या है, बी, तो क्लास बी का मुझे क्या एक्सेस करना है, वाई डाटा मेंबर को, तो बी डॉट वाई। मैंने यहाँ पे कंपेयर किया क्लास ए का एक्स डाटा मेंबर का वैल्यू क्लास बी के वाई डाटा मेंबर के वैल्यू के साथ। अगर क्लास ए का एक्स डाटा मेंबर का वैल्यू छोटा है तो प्रिंट करेगा क्लास ए डाटा मेंबर का वैल्यू, एक्स का वैल्यू। एल्स अगर क्लास ए का एक्स डाटा मेंबर का वैल्यू अगर छोटा नहीं है तो छोटा कौन सा है, क्लास बी का वाई डाटा मेंबर का वैल्यू, तो प्रिंट करेगा क्लास बी का वाई डाटा मेंबर का वैल्यू। ओके, तो ये सब चीज काम कब करेगा, जब हम मेन फंक्शन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करेंगे तब जाके। तो यहाँ पे मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए, क्लास बी का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया बी, क्लास ए के ऑब्जेक्ट यूज करके क्लास ए के सेट डाटा फंक्शन को मैंने कॉल किया और वहां पे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से 10 वैल्यू को पास किया, जो कि आके स्टोर किस में होगा, एक्स वेरिएबल में स्टोर होगा, एक्स डाटा मेंबर में स्टोर होगा। तो एक्स डाटा मेंबर में वैल्यू कितना स्टोर हुआ, एक्स डाटा मेंबर में वैल्यू स्टोर हुआ 10। फिर मैंने क्लास बी के ऑब्जेक्ट को यूज करके क्लास बी के सेट डाटा फंक्शन को कॉल किया और वहां पे वैल्यू मैंने पास किया 20। तो वाई में वैल्यू जाके कितना स्टोर होगा, वाई में वैल्यू जाके स्टोर होगा 20। तो वाई में वैल्यू कितना स्टोर हुआ, 20। फिर मैंने मीन फंक्शन को कॉल किया जो कि एक फ्रेंड फंक्शन है। सो फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए ना ही हमें कोई ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, ना ही हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, वैसे ही फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए भी ना ही हमें कोई क्लास की जरूरत पड़ती है, ना ही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया, फ्रेंड फंक्शन के पास ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी को एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया। ओके, तो ऑब्जेक्ट ए का एक्स डाटा मेंबर को मैंने ऑब्जेक्ट बी के वाई डाटा मेंबर के साथ कंपेयर किया। मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, तो अगर क्लास ए का एक्स डाटा मेंबर का वैल्यू अगर छोटा है तो उसको प्रिंट करेगा, या फिर अगर क्लास बी का वाई डाटा मेंबर का वैल्यू छोटा है तो वाई का वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रोग्राम खत्म। तो यहाँ पे हमने देखा सिंगल फ्रेंड फंक्शन को मोर देन वन क्लासेस में यूज करके एट अ टाइम हम कैसे मोर देन वन क्लासेस के मेंबर्स को एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उन वैल्यूज को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हमने देखा कि फ्रेंड फंक्शन हम मोर देन वन क्लासेस में क्यों यूज करते हैं, मोर देन वन क्लासेस के मेंबर्स को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर पाने के लिए। ओके, जो फैसिलिटी हमें फ्रेंड फंक्शन प्रोवाइड करता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आउटपुट क्या आएगा, 10, क्योंकि मैंने x का वैल्यू प्रोवाइड किया था 10, y का वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया था 20, तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है, x का 10, तो प्रिंट करेगा 10। ओके, इन द अबव एग्जांपल हमने ऊपर जो एग्जांपल देखा, मीन फंक्शन एक फ्रेंडली फंक्शन है या फिर एक फ्रेंड फंक्शन है जो कि दोनों क्लासेस में हमने यूज किया है, मतलब दोनों क्लासेस में जबकि हमने यूज किया है तो वो पर्टिकुलर फंक्शन हमें अलाउ करेगा एट अ टाइम और साइमल्टेनियसली दोनों क्लासेस के मेंबर्स को साइमल्टेनियसली यूज करने के लिए एक ही बार में। ओके, चाहे वो प्राइवेट मेंबर्स हो, पब्लिक मेंबर्स हो, प्रोटेक्टेड मेंबर्स हो, किसी भी तरह के डाटा मेंबर, किसी भी तरह के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने की फैसिलिटी वो हमें प्रोवाइड करता है साइमल्टेनियसली बोथ क्लासेस का या फिर दोनों क्लासेस का। ओके, तो आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।